हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही बार में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन पर एक से ज़्यादा फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक और फॉर्म लिया हुआ है, चलिए मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप फॉर्म ले सकते हो। चलिए, आपको उसके लिए पहले विंडोज़ एप्लीकेशन 1 पर क्लिक करना होगा, फिर ऐड पर जाकर न्यू आइटम पर क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका शायद अबाउट बॉक्स सेलेक्ट हो, आप पहले फॉर्म्स विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट कीजिए, ऐड पर क्लिक कीजिए। आपका फॉर्म 2 खुल चुका है। और अगर आपको फॉर्म 1 पर जाना है वापस, तो फॉर्म 1 पर डबल क्लिक कर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्म 1, और मैं डबल क्लिक करता हूँ फॉर्म 2 पर, फॉर्म 2 पर आ चुके हैं। चलिए हम फॉर्म 1 पर चलते हैं फिर से, और यहाँ पर हम एक बटन लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे क्लिक। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारा पहले का कोड है, चलिए इसको हटा दें। हम यहाँ पर लिखते हैं form2.show, ताकि हमारा जो फॉर्म 2 है वो शो हो जाए। और अगर हमें फॉर्म इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, यानी कि फॉर्म 1 को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमें मेल लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं mail.type। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक 2 लाइन लिखी है फॉर्म 1 फॉर्म 2 डॉट शो, फॉर्म 2 को शो करने के लिए, और फिर हमें फॉर्म 1 की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम हाइड कर रहे हैं उसको। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फॉर्म 2 की प्रॉपर्टीज़ पर, और यहाँ पर हम एक और बटन लेते हैं जिस पर हम लिखते हैं क्लिक, और फिर इसकी कोडिंग पर जाते हैं। तो हमें अब यहाँ पर फॉर्म 1 ओपन करना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म 1 डॉट शो और मी डॉट हाइड। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, तो आप नोटिस कीजिएगा जहाँ फॉर्म 1 लिखा है ये डिसअपीयर हो जाएगा और फॉर्म 2 खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, फॉर्म 1 हाइड हो गया और फॉर्म 2 खुल चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वैसे ही फॉर्म 2 हाइड होकर फॉर्म 1 खुल चुका है, क्योंकि हमने कोडिंग में लिखा है पहले फॉर्म शो होता है फिर हाइड होता है। क्योंकि ये सब इतनी जल्दी होता तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप देख सकते हो जैसे ही वो शो हुआ वैसे ही हाइड हो चुका है दूसरा फॉर्म। आई होप दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं इस तरह के मज़ेदार प्रोग्राम लेकर आता रहूँगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद को बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।